अब अष्टक वर्ग पे एक कंफ्यूजन है। देखिए, 6, 8, 12 भावों में अगर रेखाएं ज्यादा होगी तो मैंने कहा है कि अच्छा फल नहीं देगी। लग्न से, लग्न की रेखाओं से अगर 6, 8, 12 की रेखाएं ज्यादा होंगी तो लग्न खराब होगा। इस विषय को इस तरीके से समझिए। अब आप कहेंगे रेखाएं ज्यादा है तो वो भाव शुभ भाव देगा, शुभ फल देगा। भाई मेरे, उस भाव से संबंधी शुभ फल मिलेगा। यानी वो भाव अगर खराब फल देने वाला है तो वो खराब फल देगा, उसी को शुभ कहेगा वो। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए। लग्न की रेखाओं से 6, 8, 12 भावों की रेखाएं जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेखाएं कम होगी तो मान लीजिए छठे भाव को मैं उदाहरण के तौर पे एक बार लेता हूं, तो छठे भाव से नौकरी ऋण देखते हैं। रेखाएं 20 से कम होगी तो जॉब नहीं मिलेगी, ऋण नहीं मिलेगा। रेखाएं 25 से 30 या 30 रेखाएं से ऊपर होंगी तो ऋण भी मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 30 रेखाएं हैं छठे भाव की, आपको शुभ फल छठे भाव से संबंधी मिल रहा है, तो छठे भाव का रोग भाव भी प्रबल होगा। वहां मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होता है। एक चीज से जो अच्छा फल आता है अगर किसी भाव से, तो उस भाव का बुरा फल भी उसी के साथ खींचा चला आता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि छठे भाव से लग्न की रेखाएं ज्यादा होनी चाहिए, तभी लग्नेश जो है छठे भाव के बैड इफेक्ट को संभाल लेगा। यानी लग्न की रेखाएं अगर 35 है और छठे भाव की रेखाएं अगर 30 है तब तो ठीक है, लेकिन लग्न की रेखाएं अगर 25 है, छठे भाव की रेखाएं 30 है, तो इसको आप शुभ फल मत समझ लीजिए। गहराई से मनन कीजिए, गहराई से चिंतन कीजिए। ज्योतिष एक लाइन में खत्म नहीं होता है, इसके बहुत से आयाम होते हैं, बहुत तरीके से, बहुत तरफ से देखना होता है। ठीक है, इसमें और ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, विदा दीजिए मुझे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।